3:30 हो गए हैं और हम इतनी गर्मी में राइड कर रहे हैं क्योंकि आज एक KTM का इवेंट है जिसमें हमारी KTM ADV 390 रैली बाइक को लॉन्च किया जा रहा है। उसमें मेन डिफरेंस बता दूं, उसमें स्पोक्स व्हील दिए गए हैं, तो उसका आज लॉन्चिंग इवेंट है। मैं जा रहा हूँ साउथ दिल्ली वसंत कुंज, जो कि KTM का शोरूम है, और सौरभ भाई ने फ़ोन करके मुझे बताया था, कल ही बताया था, और आज भी उनका मैसेज आया था भाई आना है। तो हम चल रहे हैं एक लॉन्च इवेंट पे KTM की, तो आपको दिखाते हैं हमारी जो नई बाइक लॉन्च हुई है उसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर दिए गए हैं जो हमारी करंट ADV 390 के अलावा हैं। तो आपको हम सीधा मिलते हैं अपना साउथ दिल्ली के KTM शोरूम पे। अरे KTM का शोरूम है अंदर? हाँ वही है, सब ने ब्लॉक कर रखे हैं सुबह से पहले। हैं? अरे सर KTM वालों ने सुबह से ही ब्लॉक करवा रखे थे। तो ये KTM वाले देंगे ना हमें? इंडिविजुअल पार्किंग देनी है सबने। हैं? उन्होंने बात हो गई इंडिविजुअल पार्किंग देगा जो आएगा। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को बुलाया स्पेशल। हाँ स्पेशल बुलाया तो पैसा वो पे करेंगे। हाँ तो गाइस हम पहुंच गए हैं साउथ दिल्ली के जो शोरूम है KTM का, और यहाँ पे हमें मिलेंगे मिस्टर सौरभ भाई, और आज इवेंट लॉन्च है, उनसे मिलते हैं और इवेंट लॉन्च करते हैं। चलते हैं अंदर अब। सौरभ मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ, पता चले पार्किंग वाला सारी एक एक गाड़ी हटाए और फिर सब अपनी कार लगवा दे। हाँ वो चलो, पर्ची वो देनी होती है, पर्ची काटी है उसने? हाँ काटी है। हाँ बात है, बहुत गर्मी है यार। आओ अंदर चलो। हाँ चलते हैं। लॉक नहीं ना? लॉक ओपन करनी। और ये है हमारा शोरूम KTM का, ये आई थिंक बैक साइड से एंट्री है, और ये नई बाइक लॉन्च होने वाली है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं वसंत लोक साउथ दिल्ली, और ये है KTM का शोरूम साउथ दिल्ली का, और आज बाइक लॉन्च होने वाली है KTM रैली। ये सामने है KTM ADV 390 रैली, और इसको अभी इस बाइक से अभी पर्दा उठाया जाएगा और इसके फीचर्स में अभी बात करेंगे सौरभ भाई से, इसमें क्या डिफरेंस आया है। जो इसका प्राइस नया आया है लगभग 4,20,000 है, 25,000 महंगी है नॉर्मल बाइक से, और जो KTM 390 एडवेंचर एक्स है वो है लगभग 3,30,000 की। ये आप देख रहे हैं KTM एडवेंचर 390, इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, दोनों टायर चेंज कर दिए हैं, इसका डिस्प्ले चेंज कर दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम कर दिए गए हैं इसके। तो मैं आपको यहाँ के क्लस्टर मैनेजर सौरभ भाई से मिलवाना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। हेलो सौरभ भाई। हेलो सर। तो सौरभ भाई आज का इवेंट के बारे में बताएं आप। जैसे कि पता है अभी नई एक मॉडल लॉन्च हुई है, KTM ने एक लॉन्च किया है एडवेंचर 390 जो स्पोक व्हील में है, जिसका नाम रैली हमने रखा है बेसिकली, तो उसकी लॉन्च है वो आज हमने शोकेस किया है। आज यहाँ पे हमने डीलर लॉन्च कर रहा है, शोरूम लॉन्च दिल्ली NCR में हम पहली हो रही है, तो उसी के रिलेटेड है। यहाँ पे आपको सारा आगे आपको सर बता ही देंगे कि क्या क्या है स्पेसिफिकेशन और मेन क्या डिफरेंस है इसमें बाइक में। सर देखो अगर अभी बता दूँ तो चलो अब बाद में रिवील हो गए उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में, बाकी हिंट तो मैंने दे ही दिया है। चलो ठीक है, अभी वेट करते हैं और इसके लॉन्चिंग करते हैं फिर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
आपने देखा कि बाइक हो गई है रिबिल्ड और हमने पर्दा उठा दिया है, तो सौरभ भाई को बुला लेते हैं, जो बातचीत हमारी अधूरी रह गई थी। वेलकम अगेन सौरभ भाई। थैंक यू सो मच सर। तो अब हमें बताएं अपने हमारे जितने भी दर्शकों को कि इसमें क्या डिफरेंस है हमारी नई जो रैली एडिशन बाइक आई है। जैसे कि आपको अब बता देता हूँ कि तीन वेरिएंट्स आ गए हैं टोटल एडवेंचर 390 सीरीज़ में। एक तो एडवेंचर एक्स आ गई जो सबसे बेस वेरिएंट हो गया, इसके बाद एडवेंचर स्टैंडर्ड 390 जो मेरे पास है। हाँ जी, जो आपके पास है। और इसके बाद जो अभी जो आज अभी अनवील हुई, तो ये तीसरा वेरिएंट है जो बेसिकली स्पोक व्हील में आई है। इसमें एक और एड ऑन फीचर मैं बता देता हूँ, उसके फ्रंट शॉक है आप एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। अच्छा। आप खुद से आप एडजस्ट करना चाहो किसी भी ट्रेन के अकॉर्डिंग, तो आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें सॉफ्ट और हार्ड, आप दो चीज़ अपने आप कर सकते हो। कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपको वर्कशॉप ले जाना है, हाँ। कुछ ऐसा कराना है, आप अपने हिसाब से आप खुद चलाओ, आपको फील जैसा आ रहा है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कलर ग्राफिक्स में चेंजेस आए हैं और रेस्ट सारा कुछ तो सेम एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है लगभग। बट यही दो तीन चेंजेस हैं कि स्पोक व्हील में आ गई है, ठीक है, प्लस आपका एडजस्टेबल शॉकर्स आ गए हैं, ग्राफिक्स चेंजेस आ गए हैं, रेस्ट ऑल्सो। तीनों का प्राइस डिफरेंस कितना है? सर देखो, बेस वेरिएंट जो आ रही है अप्रॉक्स 330,000 की आ रही है, जो ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जो मिड वेरिएंट है, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, वो 395,000 की आ रही है। हाँ जी। और ये जो आएगी अप्रॉक्स 420,000 की आएगी। अच्छा, मतलब 25,000 का डिफरेंस स्टैंडर्ड से फर्क। इसमें स्पोक व्हील्स और एडजस्टेबल फ्रंट शॉकर मिलते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, तो ये वैरायटीज़ हैं हमारी एडवेंचर जितने भी बाइक्स हैं जो KTM की हैं, तो बहुत ही मतलब कि अच्छा, ये हमारी फैमिली होने वाली है इस बाइक की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने इनवाइट किया मुझे। थैंक यू सो मच। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी तो कमेंट करना, कुछ भी आपको क्वारी हो, कुछ भी पूछना हो तो मैं आपको सौरभ भाई का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब काफ़ी देर हो गई है। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम, जय हिंद।